नमस्कार, मेरा नाम शुभंकर और आप देख रहे हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल शुभो हेल्थ केयर, जहां से आप हमेशा पाते हैं हेल्थ से जुड़ी मेडिसिन के बारे में सटीक और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का इस वीडियो में बीटाजाइम सिरप के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे बीटाजाइम सिरप क्या है, किन किन कंडीशनों में इसका उपयोग लिया जाता है, क्या डोज दिया जाता है, अगर बीटाजाइम सिरप से आपको साइड इफेक्ट्स होता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, इस दवाई को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, जानेंगे ये सभी बातें। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपको इस दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, बीटाजाइम एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉपुलर प्रोडक्ट है। 112 रुपया इसका प्राइस होती है। इसमें मिलाए गए एक्टिव इंग्रेडिएंट है डायस्टेस आईपी, सिनेमन ऑयल बीपी, करवा ऑयल आईपी, कार्डामन ऑयल आईपी। ये सभी तत्व एक सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बीटाजाइम में मिलाए गए हैं। भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम को हमारा शरीर में बनना बहुत ही जरूरी है। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह पचाने के लिए एमाइलेज और लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करता है। परंतु जब किसी कारणवश हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में एमाइलेज और लाइपेज का उत्पादन नहीं कर पाता है, तब हमारा भोजन को डाइजेस्ट होने में बाधित होता है। तब डॉक्टर द्वारा लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की सलाह दी जाती है और उसी का ही एक रूप है बीटाजाइम सिरप। बीटाजाइम शरीर में पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है। बीटाजाइम सिरप नियमित रूप से सेवन करने से भूख बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति को पेट फूलना जैसे या गैस्ट्रिक बनने जैसे प्रॉब्लम है, तब भी बीटाजाइम सिरप को यूज करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलती है। अगर हमेशा आपके पेट भरा भरा सा लगता है, तब भी बीटाजाइम सिरप बहुत ही फायदेमंद है। बीटाजाइम सिरप पैनक्रियास के रोगों में पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने से भी दिया जाता है। जिस व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तेजाब बनता है, तेजाब की वजह से खट्टी ढेकर आते रहता है, सीने में जलन होते रहता है, उनके लिए भी बीटाजाइम सिरप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बीटाजाइम सिरप पाचन तंत्र को मजबूत करके गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। कुछ व्यक्ति का मन में प्रश्न होता है कि क्या बीटाजाइम सिरप शरीर का वजन को बढ़ाता है, तो बता दूं, बीटाजाइम सिरप पाचन तंत्र को मजबूत करके भूख को बढ़ाता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं तो आपको वेट बढ़ सकता है। बीटाजाइम सिरप डायरेक्ट आपकी वजन को नहीं बढ़ाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक पर ऐसा कमेंट करना ना भूले। अगर आपको गैस्ट्रिक की वजह से उल्टी या उल्टी का मन करते रहता है, तब भी बीटाजाइम सिरप बहुत ही फायदेमंद है। अगर गैस्ट्रिक की वजह से पेट में दर्द होते रहता है, तब भी फायदेमंद है। अगर आपको दस्त या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है, तब भी फायदेमंद है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुआ है, तब भी डॉक्टर द्वारा बीटाजाइम सिरप को दिया जाता है। अगर स्किन पर रैशेस, फोफोले या लाल चकते हो गए, तब भी बीटाजाइम सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। गैस्ट्रिक की वजह से अगर जीभ, गले और चेहरे पे सूजन आ गया है, तब भी डॉक्टर द्वारा बीटाजाइम सिरप को दिया जाता है और काफी अच्छा फायदा भी होता है। चलिए, वीडियो के आगे पार्ट में बीटाजाइम सिरप की डोज के बारे में जानते हैं, बीटाजाइम सिरप को कैसे दिया जाता है। बीटाजाइम सिरप को हमेशा भोजन के बाद में ही लेने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को 10 ml दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है और 18 साल से नीचे उम्र वाले व्यक्ति को 5 ml दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है। बीमारी का गंभीरता और शरीर की वजन के ऊपर भी इस दवाई का डोज अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग दिया जाता है, इसलिए आपको बीटाजाइम सिरप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। वीडियो के आगे पार्ट में बीटाजाइम सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको बीटाजाइम सिरप से साइड इफेक्ट्स होता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्ति में बीटाजाइम सिरप की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज व्यक्ति में बीटाजाइम सिरप की वजह से सामान्य साइड इफेक्ट देखा जाता है, जैसे उल्टी आना या उल्टी का मन करना, स्किन रैश, दस्त और कब्ज की समस्याएं हो सकती है। अब वीडियो का अंत में जान लेते हैं, बीटाजाइम सिरप लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन कंडीशनों में बीटाजाइम सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पहले से ही आपको लीवर और किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं है और बीटाजाइम सिरप को इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग माताओं को बीटाजाइम सिरप को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है। दोस्तों, ये था बीटाजाइम सिरप के बारे में छोटा सा जानकारी। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक, प्यारा सा कमेंट करें। हेल्थ से जुड़ी इसी तरह वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट करें।